उत्तर प्रदेश की दोबारा कमान संभालने के बाद से सीएम योगी कई बड़े फैसलों के साथ यूपी की तस्वीरों को बदलने का जिम्मा उठा चुके हैं। तभी तो आजम खान के शहर रामपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा तोहफा दिया है जिसके बाद से ना सिर्फ रामपुरवासी बल्कि पूरा विपक्षी दल हैरान हो चुका है। तो क्या है सीएम योगी आदित्यनाथ का वो तोहफा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आजम के रामपुर को सीएम योगी की बड़ी सौगात। 3 महीने में तैयार हुआ अमृत सरोवर, 75 जिलों में बनेंगे अमृत सरोवर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में सियासी उठापटक के साथ साथ तमाम बड़े फैसलों ने सभी को चौंका दिया। योगी के तेवरों ने विपक्षियों की रातों की नींद उड़ा रखी है। वहीं सीएम योगी के कई फैसलों से यूपी की तस्वीर ही मानो बदलने वाली है। सीएम योगी ने अब आजम खान के शहर रामपुर वासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामपुर शहर को अमृत सरोवर का तोहफा दिया है। अटवाई में देश का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हो चुका है। इतना ही नहीं, इसे जनता के लिए पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित भी किया जा रहा है। राज्य सरकार ने पटवाई में गंदे तालाब की सफाई से लेकर कायाकल्प का काम महज 3 महीनों में ही पूरा कर लिया, जो गांव वालों की मदद से पूरा हो पाया है। इस काम की हर जगह प्रशंसा भी हो रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किए गए संकल्पों में राज्य के हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जाना है। योगी सरकार के इस तोहफे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात में जिक्र करते हुए नजर आए थे। रविवार को मन की बात में यूपी के रामपुर में योगी सरकार के प्रयासों की जमकर तारीफ की थी। मन की बात में पीएम मोदी ने अमृत महोत्सव की जमकर प्रशंसा की, और क्या कुछ कहा था पीएम मोदी ने वो आप भी सुनिए। देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा अभियान है। वो दिन दूर नहीं जब आपके अपने शहर में 75 अमृत सरोवर होंगे। मैं आप सभी से और खासकर युवाओं से चाहूंगा कि वो इस अभियान के बारे में जानें और इसकी जिम्मेदारी भी उठाएं। अगर आपके क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा कोई इतिहास है, किसी सेनानी की स्मृति है, तो उसे भी अमृत सरोवर से जोड़ सकते हैं। वैसे मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि अमृत सरोवर का संकल्प लेने के बाद कई स्थलों पर इस पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। मुझे यूपी के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवाई के बारे में जानकारी मिली है। वहां पर ग्राम सभा की भूमि पर एक तालाब था, लेकिन वो गंदगी और कूड़े के ढेर से भरा हुआ था। पिछले कुछ हफ्तों में बहुत मेहनत करके स्थानीय लोगों की मदद से, स्थानीय स्कूली बच्चों की मदद से उस गंदे तालाब का कायाकल्प हो गया है। अब उस सरोवर के किनारे रिटेनिंग वॉल, 4 दीवारी, फूड कोर्ट, फव्वारे और लाइटिंग भी न जाने क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। मैं रामपुर की पटवाई ग्राम पंचायत को, गांव के लोगों को, वहां के बच्चों को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत बधाई दे। तो सुना आपने पीएम मोदी को, अब यूपी के 75 जिलों में अमृत सरोवर के बनने के बाद यूपी की तस्वीर ही बदल जाएगी। शुरू की गई 75 अमृत सरोवर योजना से गांव के लोग, स्कूली बच्चे और स्वच्छता प्रहरी जुड़ रहे हैं, तालाबों की सफाई कर रहे हैं। राज्य सरकार तालाबों से कब्जों को हटाने का काम तेजी से कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज़।